हमीरपुर में डेंगू का एक और नया मामला सामने आया है। इस बार 34 वर्षीय व्यक्ति डेंगू की चपेट में आने पर इलाज के लिए हमीरपुर क्षेत्रीय अस्पताल पहुंचा। एक के बाद एक लोग डेंगू की चपेट में आने से स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया है। अस्पताल में उपचार के लिए पहुंचा ये व्यक्ति हमीरपुर शहर के रहने वाला है। पीड़ित व्यक्ति चंडीगढ़ में जॉब करता है। व्यक्ति ने बताया कि उसे चंडीगढ़ में ही तेज बुखार आना शुरू हुए थे। बुखार को हल्के में लेते हुए व्यक्ति ने चंडीगढ़ से ही एक निजी क्लिनिक से दवाई खाना शुरू की, लेकिन 3-4 दिनों तक दवाई का सेवन करने के उपरांत भी बुखार उतरने का नाम नहीं ले रहा था। लिहाजा रोजाना 104 से 105 डिग्री बुखार आने पर व्यक्ति छुट्टी लेकर अपने घर वापस आ गया। घर पहुंचते ही व्यक्ति के परिजन उसे इलाज के लिए क्षेत्रीय अस्पताल हमीरपुर ले आए। व्यक्ति के अस्पताल में डेंगू सहित तमाम दूसरे टेस्ट करवाए गए। टेस्ट रिपोर्ट में युवक को डेंगू होने की पुष्टि हुई। इसके बाद व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। उपचार के बाद युवक का स्वास्थ्य अब पहले बेहतर बताया जा रहा है। क्षेत्रीय अस्पताल हमीरपुर के SMO डॉक्टर रमेश चौहान ने बताया कि अस्पताल में भर्ती डेंगू से पीड़ित यह व्यक्ति चंडीगढ़ से ग्रसित होकर हमीरपुर पहुंचा है। उन्होंने कहा क्षेत्रीय अस्पताल पहुंचने पर व्यक्ति की पूरी जांच की गई, जिसमें उसका स्वास्थ्य पहले से अब बेहतर है। व्यक्ति के शरीर में से प्लेटलेट्स लगातार कम हो रहे थे। वह तेज बुखार के साथ अस्पताल पहुंचा था। बीते एक सप्ताह में क्षेत्रीय अस्पताल में आधा दर्जन से ज्यादा डेंगू के मामले उजागर हो चुके हैं।